good morning dear students welcome again in class 11 physics and the chapter vectors okay now the topic is multiplication of a vector by a real number in our previous video we saw that various types of vectors modulus of vectors okay position vector displacement vector Okay, like that. Now, if we multiply a vector by a real number, then what is the product? So, let's see the multiplication of a vector a by a real number n becomes another vector n into a position vector. Okay. इट्स अ मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वैक्टर इट्स डायरेक्शन इज सेम एज सेम एज और अपोजिट एज दैट ऑफ ए वैक्टर अकॉर्डिंग एज एन इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर अगर हम किसी वैक्टर को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा देखिए धर एन ए वैक्टर इज वॉट एन इन टू ए वैक्टर अगर आपने माइनस एन से मल्टीप्लाई किया तो एन इंटू ए माइनस माइनस एन इन टू ए वैक्टर फॉर एग्जाम्पल इफ अ वैक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर एन इक्वल टू टू वी विल गेट टू ए विच इज़ अ वैक्टर एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड हैविंग मैग्नीटूड ट्वाइस एट ऑफ ए देखिए जैसे ए वैक्टर था इसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया टू ए वैक्टर हो गया लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी सेम है ये ए वैक्टर था आपने इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टू ए हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया चेंज हो गई इसकी डायरेक्शन ओके सो दिस इज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर बाय अ रियल नंबर नाउ नेक्स्ट यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको बताई है

किया जाए तो क्या होगा वेन अ वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाई बाई स्केलर एस इट बिकम्स एस ए वैक्टर इज़ एस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए द यूनिट ऑफ एस इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूनिट ऑफ ए अगर मान लीजिए किसी वैक्टर को स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वान्टिटी एस से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा एस ए हो जाएगा देखिए जैसे ए इक्वल टू क्या है हंड्रेड न्यूटन ड्यू टू वेस्ट एंड एस इक्वल टू कितना है टेन सेकंड देन व्हाट एस ए वेक्टर टेन इन हंड्रेड करेंगे तो ये हो जाएगा वन थाउजेंड न्यूटन सेकेंड ड्यू एस्ट ओके इस तरीके से नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट वैक्टर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट वैक्टर द रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ टू और मोर वैक्टर इज डिफाइन एज द सिंगल वैक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वैक्टर्स टुगेदर रिजल्टेंट वैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे वैक्टर्स हैं ठीक है ठेके? उन बहुत सारे इंडिविजुअल वैक्टर्स को मिलाकर एक वैक्टर ऐसा होगा जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसके बराबर जो सारे इंडिविजुअल वैक्टर्स को अगर आप मिला दें ओके इट इज़ टू बी नोटेड दैट नेचर ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वैक्टर उसका नेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा ओके वैक्टरस एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा वैक्टर एडिशन जो है वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है उसके लिए आपको वैक्टर एडिशन करना पड़ेगा ठीक है और ये वेक्टर एडिशन किस तरीके से किया जाएगा हम इसको आगे देखते हैं देखिए वेक्टर एडिशन बाय जोमेट्रिकल मेथड कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो किस तरीके से उनका वेक्टर एडिशन करेंगे वो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इट इज इस्टेड दैट द वेक्टर्स टू बी एडेड और अरेंज्ड इन सच अ वे

जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ठीक है ये इसकी ये यहाँ पर क्या है ये हेड है और ये टेल है दूसरा वेक्टर इस तरीके से यहाँ से हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे क्या बोल रहा है अरेंज सच दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वैक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकेंड वैक्टर इसका हेड है और ये इसके टेल से क्या हुआ कॉन्साइड हुआ फिर इस तरीके से ये अगला वेक्टर इस तरीके से अगला वेक्टर अगर इनका आपको रिजल्टेंट बनाना है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरीके से हम जो है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं जोमेट्रिकल मेथड्स अब रोल इज रिजस्टर्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एस इन फिगर टू सी टेन ए आपको इस फिगर में दिया हुआ है ये यहाँ पे देखिए टू सी टेन ये एक वेक्टर है ए वेक्टर ये बी वेक्टर है ठीक है किस तरीके से हम इनका एडिशन कर रहे हैं इस ए वेक्टर का को जस्ट बी के साथ में क्या कर दिया ऐड कर दिया तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब ये यहाँ पर देखिए इसका हेड इसके टेल से क्या कर दिया ऐड कर दिया ठीक है उसी तरीके से अगर नेगेटिव है तो एक डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में है तो ये देखिए फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वाला इधर आ जाएगा तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको ए माइनस बी यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है टू फाइंड द रिजल्टेंट कॉन्साइड द टेल ऑफ बी ऑन द हेड ऑफ ए देन द सिंगल वैक्टर आर वैक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ टेल ड्रॉन फ्रॉम द टेल ए वैक्टर टू द हेड बी वैक्टर तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑफ मैग्नीट्यूड द टू एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वैक्टर मैथमेटिकली हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay. अगर मान लीजिए वही वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेट्स ए एंड बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू फाइंड द रिजल्ट एंड द कॉन्साइड ऑफ बी ऑन द हेड ऑफ ए देन द सिंगल वैक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी देयर देर ए आर इक्वल टू वॉट ए ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर ठीक है इस तरीके से ये डायग्राम आप बनाएंगे ये वाला तो ये डायग्राम ऊपर वाली कंडीशन के लिए जब सेम डायरेक्शन में हो और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो दो वैक्टर्स हो इस तरीके से ओके नाउ हैंस द ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वैक्टर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वैक्टर मैथमेटिकली आर इक्वल टू वॉट मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी ओके न टू वैक्टर्स एट सम एंगल जब दो वैक्टर मान लीजिए कुछ एंगल पर हो तो लेट एन बी एक्टिंग एट समल टू सच अदर टू फाइंड द रिजल्टेंट आर कॉन्ड द टेल ऑफ ए ऑन हैड ऑफ बी ड्रॉन देन दिंगल वैक्टर आर इज ड्रॉन फ्रॉम द ए टू देड ऑफ बी गिवज द रिजल्टेंट वैक्टर जैसे देखिए ए वैक्टर हैं ये किसी ये और ये बी वेक्टर एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से हम बनाएंगे मैंने अभी आपको बताया ये इसका हेड और ये सेकंड वाले का टेल और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये हो जाएगा <coughs> इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे ओके नाउ कुछ लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो लॉ आपको याद रखना है और उन्हीं लॉ पर आगे हम एनालिसिस मेथड पर जाएंगे व्हाट इज ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज स्टेट दैट इफ़ टू वैक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल टेकन इन वन ऑर्डर दे रिजेंट वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रेंगल जैसे देखिए ये एक वैक्टर है ए वैक्टर ये बी वेक्टर है ठीक है सेम ऑर्डर में है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थर्ड साइड होगी और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और आर को हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी ओके दिस इज द ट्रा लॉ ऑफ वैक्टर्स ओके नाउ व्हाट इज द पेरेग्राम लॉ पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स स्टेट दैट इफ़ टू वैक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नेट्यूट एंड डायरेक्शन बाई द टू एडज पेरेलोग्राम ड्रॉन फ्राम अ पॉइंट द रिजल्टेंट वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड मैग्नेट्यूट एंड डायरेक्शन बाई डाइगोनल ऑफ पेरलोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ओके तो इस तरीके से एक पेरालोग्राम है जिसकी दो एडजन साइड है जिस पैरालोग्राम आप समझते हैं इस तरीके से यह पैरेलोग्राम है ठीक है तो ये एक वेक्टर है इस तरीके से ये एक वेक्टर हो गया ठीक है ये बी वेक्टर हो गया ठीक है ये ए है बी है तो ये भी क्या होगी बी होगी तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा ये वाला तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस तरीके से पैरोोग्राम लॉ जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं नाउ व्हेन नंबर ऑफ एक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन मान लीजिए कि बहुत सारे वैक्टर हों लेट ए बी सी डी एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन देन वॉट टू फाइंड दिए रिजल्टेंट वैक्टर कॉन साइड द टेल ऑफ बी विद ए टेल ऑफ सी विद द एड ऑफ डी एंड लाइक दिस देखिए इस तरीके से डायग्राम आप देखिए बहुत सारे वैक्टर हैं ए वैक्टर ये बी वैक्टर सी वैक्टर डी वैक्टर तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे देखिए ए वैक्टर बी वैक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा ट्रेंगल लॉ से ए प्लस बी ठीक है फिर ये इस तरीके से सी वैक्टर तो इन दोनों का इन सब का रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा फिर ये एक इधर है तो इधर जो रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस तो यहाँ पर आप देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वैक्टर ओके तीसरी दॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर्स इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर्स और उसमें आप ये डायग्राम जो है वो बनाएंगे ठीक है <coughs> ये यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से पॉलीगन लॉ का स्टेटमेंट यही है आप नोट करेंगे इसको स्टेट दैट इफ एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन टेक इन द सेम ऑर्डर द रिजल्ट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ठीक है आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डी इस तरीके से ओके okay? ओके दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस लॉ यूज्ड इन वेक्टर्स एडिशन ठीक है आपको एक ध्यान रखना है वेक्टर एडिशन में आप नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते आपको वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा उसके अंदर अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड एनालिकल एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे लॉ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए डायग्राम आप लिख लीजिए ओके okay?